मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत सेक्शन के अंतर्गत। ये पहला अध्याय है वाराणसी, तो इसकी व्याख्या हम यहाँ व्याख्या ना कहकर मैं ये कहूँ कि इसका अनुवाद यह हम देखें। वाराणसी शुभ ख्यातः प्राचीन नगरी, शुभ ख्यात माने बहुत प्रसिद्ध, कि वाराणसी शुभ ख्याता प्राचीन नगरी, कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल, सलिल माने होता है जल, विमल विमल माने शुद्ध, इयम विमल सलिल तरंगाया, तरंग माने होता है लहर, गंगाया कूले स्थिता, कूल माने होता है किनारा, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह विमल सलिल तरंगाया यानी शुद्ध या स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगाया यानी गंगा के कूले माने तट पर स्थितः माने स्थित है। अस्या घट्टा नाम बलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की बलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्ति यानी घाटों की जो बलयाकार पंक्ति है, धवलायाम चंद्रकायाम बहुराजते, धवलायाम चंद्रकायाम बहुराजते, धवल माने होता सफेद, सफेद चांदनी में, चंद्रकाया माने सफेद चांदनी, चंद्रकाया का अर्थ होता है, चंद्रकायाम का अर्थ होता है चंद्रमा की रोशनी, कि सफेद चंद्रमा की रोशनी बहुराजते बहुत सुशोभित होती है, बहुत सुंदर लगती है। इसके घाटों की जो बलय आकृति है और जो पंक्तिबद्ध है वह यानी इसके घाटों की जो घुमावदार आकृति है, बलय माने घुमावदार आकृति, चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणितः पर्यटकः सुदूरभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, अत्र माने यह, आयन्ति माने आते हैं, अगणित माने अनेक जिनकी कोई संख्या नहीं, अत्र आयन्ति अगणितः पर्यटकः सुदूरभ्यः यानी बहुत दूर से, कि यहां अनेक, अत्र माने यहां अनेक पर्यटक दूर दूर से नित्य माने प्रतिदिन अत्र आयन्ति, अत्र माने यहां आते हैं। अस्या घटानांच, और अब चा जो लगा है इसको और लिखे, और इसके घाटों की शोभाम शोभा को विलोक के माने देखकर इमाम बहु प्रसंसन्ति, और यहां के घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं इमाम माने इसकी। अगला देखें, वाराणस्याम यानी वाराणसी में प्राचीन काला देव यानी एव, अब प्राचीन काला देव एव जो लगा, एव का मतलब होता ही, प्राचीन काला देव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे ग्रह ग्रह में यानी घर घर में, विद्याया दिव्य ज्योति दोदते, दो तते यानी दो तते माने होता है प्रकाशित होना, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्याया यानी विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि, अपि माने होता भी, अधुना माने आज, आज भी, अत्र माने यहां, संस्कृत वाग धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा, वाग माने होता वाणी, संस्कृत वाग धारा सततम प्रवहति, संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानांच, अब चा लगा है इसको पहले लेंगे, और जनानाम लोगों के ज्ञान में, लोगों के ज्ञान को वर्धयन्ति बढ़ाती है या बढ़ा रही है। आगे देखें, अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या माने उच्च कोटि के, अत्र माने यहां, अनेके माने अनेक आचार्य, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के विद्वान, विद्वान वैदिक वांग्मय, वैदिक वांग्मय यानी वैदिक साहित्य, अश माने के वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने चा, अध्ययने और अध्यापन भी, अब चा को हम पहले ले लेते हैं, और अध्यापन, इदानीम निरता, इदानीम निरता यानी इदानीम माने इस समय, निरता माने लगे हुए हैं, यहां अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान
वैदिक वाङ्मय से संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं, ना केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका विदेशी गीर्वाणवाण्य। अब गीर्वाणवाण्य का अर्थ होता है देववाणी संस्कृत। अध्ययनाय यानी अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत वाणी संस्कृत गीर्वाण देववाणी संस्कृत। गीर्वाण वाण्य का मतलब होता है देववाणी संस्कृत की अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, इत एते त्रय ये तीन, इत एते त्रय का मतलब ये तीन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय संति हैं कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। एषु जिनमें नवीनाम प्राचीनानांच और प्राचीन, नवीन और प्राचीन, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय विषयाणाम ज्ञान और विज्ञान के विषय अध्ययनम प्रचलंती, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलती चलता रहता है। आगे देखें, ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थल है, यह नगरी भारतीय यह नगरी भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव माने यहीं से ही, यहीं से ही यानी यहीं से, संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत साहित्य के, संस्कृतेश और संस्कृत साहित्य और संस्कृति, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसत यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज युवराज दारासिकोह अत्रागत्य यानी मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अक्रोत भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अक्रोत माने किया। सा तेसाम ज्ञानीन वह इनके ज्ञान से तथा प्रभाविता इतना प्रभावित अवगत माने हुआ यत तीन कि उसने तीन उपनिषदाम इसके या इन उपनिषदों इतना प्रभावित हुआ कि उसने तीन उपनिषदाम इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता उसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी माने फारसी भाषायाम कारिता माने करवाया कि वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। आगे देखें, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है यानी संगम स्थल का अर्थ होता है वह स्थान जहां सभी धर्म मिलते हैं सभी धर्मों के मिलने का स्थान। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहव महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा और अन्य बहवा माने बहुत से और अन्य बहुत से महात्मानः यानी महात्माओं ने अत्रागत्य यहां आकर स्वीयान माने अपने स्वयं के विचारान प्रसारयन अपने स्वयं के विचारों को प्रसार किया यानी फैलाया।
कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आए और उन्होंने अपने विचारों को प्रसारित किया। ना केवलम दर्शनी साहित्य धर्मे, ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म अपितु, कि ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म अपितु कला क्षेत्रे अपि, अपि माने होता भी, कला क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधा नाम कला, विविध कलाओं शिल्पानांच और शिल्प कृति माने के लिए, लोके विश्वता, लोके माने संसार में, विश्वत माने प्रसिद्ध है, कि केवल दर्शन धर्म, दर्शन साहित्य और धर्म के लिए ही नहीं अपितु माने बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध विविध कला नाम यानी अलग अलग तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए, कृति माने होता है के लिए, लोक की विश्वता लोक में प्रचलित है अर्थात प्रसिद्ध है, लोक माने होता विश्व। अत्रत्या यहाँ की, कौशे साटिका, साटिका माने साड़ी, कौशे माने रेशमी, यहाँ की रेशमी साड़ियां देशे देशे यानी देश विदेश में, सर्वत्र स्प्रहन्ते, स्प्रहयन्ते माने पसंद की जाती है, अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तया पत्थर की मूर्ति, प्रस्तर माने होता पत्थर, मूर्तया प्रथिता प्रसिद्ध, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध, इयम निजा यह अपनी, निजा माने अपनी खुद की, प्राचीन परंपराम प्राचीन परंपरा का, इदानीमपि इस समय भी, इदानीमपि अपि माने होता भी, इस समय भी परिपालयति कि यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है या करती है, तथ्यो गीतये कि तभी तो, इसलिए तथ्यो इसलिए ही, गीतये कभी भी कवियों ने गाया है यानी कवियों के द्वारा गाया गया है, मरणम मंगलम यत्र कि मरणम मरना, मंगलम माने मंगल, यत्र माने जहां, कि जहां मरना मंगलकारी है, विभूतिश्च और विभूति यानी भस्म, विभूषण और जो भस्म है वही विभूषण है अर्थात आभूषण, कि जहां मरना मंगलकारी है यानी कल्याणकारी है, जहां भस्म यानी भस्म ही जहां आभूषण है यानी शरीर पर भस्म लगाना ही जहां आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम कि जो कौपीन है, लंगोट है जहां, लंगोट जहां कौशेयम माने, कौशेयम माने रेशमी वस्त्र, जहां लंगोट रेशमी वस्त्र ही जहां लंगोट है, सा काशी वह काशी केन मीयते किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात उस काशी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से यह जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है, वाराणसी नामक अध्याय जो भगवान विश्वनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है, उसके विषय में बताया गया है। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस पर आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।